हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आज मैं एक्चुअली कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बनाते हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी लीडिंग सेक्टर्स इंडस्ट्रीज है जहाँ कितने लोग पैसे कमा पाते हैं, और उसके बारे में मुझे बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी लीडिंग इंडस्ट्रीज है और कितना पैसा मिलता है ईयरली। सो सबसे पहला, नंबर वन, डॉक्टर्स की सैलरी है। यहाँ पे डॉक्टर्स की सैलरी लेट से 1,10,000 से लेके 2,00,000 स्विस फ्रैंक उनको मिलता है। ये ईयरली इनकम मैं बता रहा हूँ आपको, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बंदा, मतलब कौन डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड लेट से स्विट्जरलैंड में 26 कैंटोन है, तो 26 कैंटोन में सैलरी का जो रेंज है वो ऊपर नीचे है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि बंदा कहाँ रह रहा है और लिविंग कॉस्ट कितना है। अगर कोई बंदा जूरिक में रहता है, जूरिक में डॉक्टर है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है जूरिक में, बैर्न में, देन जिनीवा में, इस सभी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में। उसके बाद नंबर टू आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग, जो कि स्विट्जरलैंड की बैकबोन की हड्डी है, मतलब बहुत है भाई स्विट्जरलैंड में फाइनेंस और बैंकिंग में बहुत पैसे हैं। 1,10,000 से लेके 1,50,000 के बीच में मिलती है सैलरी, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियस सी बात है कौन बंदा कहाँ रहता है, बट ये एंड ऑल्सो आप उसको आप ऐसे ही मेजर कर सकते हो कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी बहुत पैसे हैं। नंबर तीन आता है आपका आईटी इंडस्ट्री, उसमें है 80,000 से लेके 1,20,000 स्विस फ्रैंक के बीच में। नंबर चार आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसकी सैलरी है 70,000 से लेके 1,10,000 स्विस फ्रैंक पर एनम। नंबर 5, जो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि अरे इतना कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, यहाँ पे 40,000 स्विस फ्रैंक से लेके 60,000 स्विस फ्रैंक के बीच में टूरिज्म इंडस्ट्रीज में सैलरी मिलती है। तो आप मंथली इसका लगा लेना, जो कि ठीक ठाक पैसे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो लाइक आईटी, डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम है। देन अब ये बात आती है कि यहाँ पे जॉब कैसे मिलता है। स्विट्जरलैंड में जॉब मिलने का डायनामिक्स विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। अगर मान लो कोई जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, उसको भी यहाँ काम करने के लिए एक स्पेशल वीज़ा लेना पड़ता है, स्विट्जरलैंड का ये रूल है। और जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, लेट्स से साउथ एशियन, उनके लिए रूल डिफरेंट है। तो मैं टच करना चाहूँगा साउथ एशियंस की, उनको कैसे यहाँ काम मिले। लेट्स से आप किसी फाइनेंस एंड बैंकिंग में काम करना चाहते हो, आपकी एजुकेशन भी ठीक ठाक है, क्राइटेरिया भी लेट्स से मीट हो रहा है, सो सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी बैंक में आपने अप्लाई किया है, लेट्स से आप यहाँ पे यूबीएस, क्रेडिट स्विस, बीएनपी परिवा, ये सारे बैंक्स हैं। बीएनपी परिवा तो फ्रेंच बैंक है, बट स्टिल स्विट्जरलैंड में बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। लेट्स से यूबीएस में आप काम करना चाहते हो, तो इसका डायनेमिक्स ये है कि क्योंकि आप आते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ एशिया से, सो साउथ एशिया से आप आते हो, तो ये देखेंगे कि ये बंदा इस सर्टेन स्किल का है और इस ये स्किल मुझे कहीं और नहीं मिल रहा है। लेट्स से किसी यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइप का स्किल नहीं है जो इस एशियन बंदे के पास है, फिर वो आपको लेटर देंगे कि ठीक है आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो, जिसका चांसेस 0.001% है। तो ये आप दिमाग में रखना बात कि इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली पासपोर्ट रखते हो तो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको, ये थोड़ा मैं सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ बट ये ट्रू है, कि अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो किसी स्विस बंदे या बंदी, जो भी आपका पार्टनर हो, तो उसे शादी कर लो। ये मतलब शॉर्टकट वे है, और मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग जो भी लतीनो है, यार यहाँ पे कितने लतीनो जो यहाँ स्विट्जरलैंड आए हैं, उन अपने पार्टनर सबके साथ शादी उदी करी उन्होंने, और विद इन 2 मंथ्स उनका वर्किंग परमिट आ गया। तो ये क्राइटेरिया है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सो आप यू कैन रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि 2 वेज हैं यहाँ पे काम करने के लिए। एक तो आप डायरेक्टली कंपनीज के टच में रहो, अगर आपकी स्किल वो मीट करती है और कंपनी रेडी होती है कि ठीक है
ये बंदा, हम इस बंदे को काम देते हैं बिकॉज इस बंदे के पास ये सर्टेन स्किल्स है और वो यूरोप में मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो आपको फिर वो कंपनी आपको लेटर प्रोवाइड करेगी, उसके साथ ही साथ आपका वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और वो वर्किंग पेपर आ जाएगा जो कि वैलिड होता है। वो डिपेंड करता है कि 2 साल 3 साल जो जैसा प्रोफाइल है और जो जैसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कि कोई 2 साल के लिए मिलता है, किसी को 3 साल के लिए मिलता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शादी कर लो। शादी वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने करा है। एक और इन्फॉर्मेशन, मैं रहता हूँ यहाँ ज़ूरिक में, तो ज़ूरिक में लेट्स से किसी बंदे, कोई बंदा छोटा मोटा जॉब करता है और उसको मिलता है 4,000 स्विस फ्रैंक, जो कि एक बेसिक सैलरी है। तो 4,000 स्विस फ्रैंक जिस बंदे को मिलता है उसको 3 तरह का टैक्स देना पड़ता है अपनी सैलरी से। तो पहला टैक्स होता है ओवरऑल सैलरी का, 12% जाता है म्यूनसिपालिटी को, जो म्यूनसिपालिटी दे आर टेकिंग केयर ऑफ बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, छोटे मोटे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो विद इन कैंटोन में होता है, तो वो कंपलसरी है देना ही देना 12 से 13% आपकी पूरी सैलरी का म्यूनसिपालिटी को। दूसरा आता है ओल्ड एज एंड पेंशन स्कीम, वो भी 12% के आसपास पूरी सैलरी का जाता है ओल्ड एज और पेंशन स्कीम में। उसके बाद नंबर 3 ये आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो 300 से लेके 500 स्विस फ्रैंक पर मंथ आपको खरीदना ही खरीदना है, ये कंपलसरी है। सो फिर आपके हाथ में कटकुटा के बचता है 2700 से 2800 के आसपास फ्रैंक, वो आपको कैश इन हैंड मिलेगा। और तो मैंने सोचा कि ये आपको बता देता हूँ कि 4,000 में से आपके जेब में आएगा 2800 से 2900। तो इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो। तो ये जस्ट मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताया हूँ, ये एक मिनिमम सैलरी के हिसाब से बताया हूँ ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो चलो फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।